हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आई विश आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस सो so, आज की जो रीडिंग करने जा रही हैं इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि उनकी आज की फीलिंग्स क्या है ठीक है आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स क्या है आज वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट ये सभी के लिए है ठीक है ये एक जनरल रीडिंग है टाइमलेस है सो so आप जब कभी भी देखोगे आपकी एनर्जी से ये रेजोनेट करेगा ठीक है सो जरूरी नहीं है कि हर बार ही आपसे रेजोनेट करे ठीक है बट मोस्ट ऑफ द टाइम कट जाती है ओके सो so चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आज इन बस मुझे बताएं मेरे विवश जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है दी हरमिट ओके दी हरमिट सेवन ऑफ सोट्स डेविल 7 of pentacles Gemini Cancer Scorpio Pisces 3 of cups and the death card King of wands okay so queen of swords and king of wands 6 of swords All over bottom of the deck energy has 6 of swords बात करूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स की सो कहीं ना कहीं आज वो खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं ठीक है थीके? आपके पार्टनर बहुत लंबे समय से अपने अंदर जो है एक नेगेटिव एनर्जी को फील uh, कर पा रहे थे ठीक है डेफिनेटली बहुत लंबे समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है एक नेगेटिव एनर्जी को फ़ील कर पा रहे थे जिससे उन्हें ये लग रहा था कि इनको अवेयर रहना चाहिए ठीक है किसी भी तरीके से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि इनके आसपास कोई नेगेटिविटी है या कोई लोग हैं जो इनको नेगेटिव लाइक हार्म पहुँचाना चाहते हैं किसी तरीके से नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं इनकी लाइफ में ठीक है बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे थे ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे थे यहाँ तक कि इन्होंने आपसे भी बात नहीं करा आपको भी इन्होंने इग्नोर करा है बट करंटली मुझे इनकी एनर्जी में पिक हो रहा है कि ये पर्सन जो है अब आपसे कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को लेकर के डिस्कस करना चाहते हैं और ये खुद से बचते भी है ठीक है डेफिनेटली ये खुद से ही लाइक बच रहे हैं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपसे छुप रहे हैं या किसी तरीके से लाइक बट खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की एनर्जी में ठीक है खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद के सेविंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन को कुछ ना कुछ तो डर है या तो कोई ऐसी इनके अंदर कोई ऐसा डर है जो इनको बार बार ऐसा सता रहा है या किसी तरीके से इनको लग रहा है कि चीज़ें जो है इनके फेवर में काम नहीं करेंगी ठीक है चीज़ें जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी इस पर्सन के अंदर जो है कहीं ना कहीं डर बहुत ज़्यादा पनप रहा है आउटसाइडर की एनर्जी है सो डेफिनेटली साइड से कहीं ना कहीं आपको देखते जरूर है ठीक है स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है आपको डेफिनेटली स्टॉक करते हैं बट ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है ओके okay, इनकी हीलिंग नहीं हो पाई है अब तक से जिसके कारण इनके अंदर बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना करते हुए ये पर्सन नजर आ रहे हैं ठीक है कोई ना कोई तीसरी सिचुएशन या कोई ना कोई दो तीन सिचुएशन है जिसको लेकर के आपके पार्टनर चलना चाहते हैं ठीक है पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ डेफिनेटली इनको फील होता है इनको ये भी पता है कि आप इनके पास्ट लाइफ लवर हो ये पास्ट लाइफ से आप दोनों साथ में रहते हो किस तरीके से इनको कनेक्शन ज़रूर फील होता है आपके साथ वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली इनको फील होता है और इनको ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई डेफिनेटली आया हुआ है या फिर आप इस रिलेशनशिप को खत्म कर दोगे बिकॉज यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एंट्री ले रहा है ठीक है या तो ये एंट्री ले चुके हैं या आने वाले वन वीक में आपके लाइफ में कोई ना कोई पर्सन एंट्री लेने वाला है इस पर्सन के आने से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में कुछ आपको शिफ्ट देखने को मिल सकता है ठीक है ये पर्सन काफ़ी जेलस होते हैं डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी जेलस फील करते हैं कि ये हमेशा चाहते हैं कि आप इनके ना बनो इट्स ओके इनको ये चीज मंजूर है ठीक है बट आप किसी और के भी ना रहो किसी और से भी ना मिलो ये चीजें इनको बिल्कुल भी लाइक पसंद नहीं होगी ठीक है अगर आप किससे मिलते हो किस, किसी प्रकार का चेंज अगर आप में आता है आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑलरेडी जो चेंज होना था वो हो चुका है बट आप में किस तरीके का चेंज अगर ये पर्सन देखते हैं या इनको फील होता है सो काफ़ी ज़्यादा ये फर्स्ट्रेट हो जाते हैं आपको एक बहुत ही लाइट एनर्जी में ये महसूस कर पा रहे हैं हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट है डेफिनेटली कुछ फेक नंबर कुछ फेक अकाउंट या किसी ऐसे चीज से कनेक्ट है जिससे लाइक like, आपकी बात हो चुकी है आई फील स्ट्रांगली कि 95 परसेंट आप इस पर्सन लाइक कनेक्ट हो ठीक है वो कैसे कनेक्ट हो वो मुझे नहीं पता बट डेफिनेटली आप कनेक्ट हो क्यों क्योंकि यहाँ पे दी आउटसाइडर की एनर्जी है सो so, ये पर्सन आपसे कनेक्ट तो है और कहीं ना कहीं आपको देख भी रहे हैं ठीक है ठीके? किसी तरीके से आपका ध्यान भी कर रहे हैं या आपको देख भी पा रहे हैं और आपके बारे में सारी जानकारी भी इनको मिलती है ठीक है ये मुझे पास्ट एनर्जी लग रही है जिसमें आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट है द ड्रीम हो सकता है आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहे हो या किसी तरीके से इनको ड्रीम में ये देखने को मिला है कि आप इनको टाटा बाय बाय बोल रहे हो और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो ठीक है आपके पर्सन इमोशनली आपसे काफी ज़्यादा अटैच है ये आपसे प्यार करते हैं ये छुपाते हैं फॉर ऑफ पैंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स डेफिनेटली आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बातें छुपाते हैं ये ये भी छुपाते हैं कि आपसे कितना ज्यादा स्ट्रांगली आपको चाहते हैं इंटीमेसी काफी ज्यादा है इनके अंदर बट ये किसी भी तरीके से आपको एहसास नहीं दिलाना चाहते या फिर बताना नहीं चाहते ये चाहते हैं कि जो भी चीजें हो वो नेचुरली तरीके से सही हो आप दोनों में एक पॉजिटिव पॉजिटिव एक एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाली है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आपका रिकनसाइल हो सकता है ठीक है ये व्यक्ति आपको स्ट्रांगली किसी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं एक लाइक आपके पार्टनर के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है इनको लाइक दो माइंड सेट हो रहा है ठीक है ये आपके बारे में पॉजिटिव भी सोचते हैं और किसी तरीके से आपके बारे में नेगेटिव भी काफ़ी ज़्यादा फील कर पाते हैं ठीक है इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्द इनको छोड़ दोगे या किसी तरीके से आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो या आप इनके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो कितना ज़्यादा ये खुद को लाइक ऐसी एनर्जी में पा रहे हैं जहाँ पर ये बहुत मायूस है ठीक है बहुत ज़्यादा एक ओल्ड एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं भले आपके पार्टनर बीस के हो तीस के हो या पच्चीस के हो ड मैटर ठीक है फिफ्टी की भी क्यों ना हो बट इनको एक बहुत ही बूढ़े वाली एनर्जी फील हो रही है लाइक like, इनके अंदर ये नहीं है ठीक है ये यंग भी हो सकते हैं ये एजेड भी हो सकते हैं बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत बूढ़े हो चुके हैं किसी तरीके से मुंह लटकाए हुए खड़े मुझे नजर आ रहे हैं ठीक है किसी तरीके का कोई कुछ ना कुछ है इनके लाइफ में जो इनको काफी बॉदर कर रहा है और इस टाइम पे इनकी एनर्जी जो है बिल्कुल ही एक आइस की तरह हो गई है जो काफी ज्यादा सख्त एंड कहीं ना कहीं फ्रिज लाइक like कह सकते हो कि इनका हार्ट जो है वो कहीं ना कहीं फ्रीज हो चुका है ठीक है बहुत ज़्यादा इसमें ठंडक आ गई है अब किसी भी तरीके से लाइक like उस आइस को पिघला पाना या वापस से उसमें गर्माहट ला पाना इतना इजी नहीं है एक आइस की तरह कहीं ना कहीं ये खुद को लाइक like, महसूस कर पा रहे हैं ठीक है थीके? सो so, पॉलिटिक्स की एनर्जी है सो so किसी तरीके का कोई पॉलिटिक्स या दो चेहरा आपके पार्टनर का हो सकता है जहाँ पे ये दिखाते कुछ और हैं और आपको लाइक like, फील uh, कुछ और करवाते ठीक है डेफिनेटली इस पर्सन के मन में है कि आपके साथ सारी चीजें सही हो दी पॉलिटिक्स uh, का कार्ड आया हुआ है सो so कहीं ना कहीं आप दोनों में चीजें जो है वो बेटर हो सकती हैं बट आपके पार्टनर का माइंड जो है ना इनका सबसे बड़ा दुश्मन है कौन है इनका माइंड डेफिनेटली जो आपको इस लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ने नहीं देता है जो इनको हर बार ही अवेयर करता है किसी ना किसी चीज़ से इनको रोकता जरूर है हालांकि थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी लवर्स ये आपके साथ प्यार चाहते हैं सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ एक मूवमेंट चाहते हैं ठीक है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आना चाहते हैं जहाँ पर जो चीज़ें जैसी चल रही है उसी तरीके से आप दोनों के लाइफ में वो चीज़ें काम करें बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इस लव को बहुत ही ज़्यादा किस तरीके से आ, ऐसे मोड पे देख रहे हैं जहाँ पे ही आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल टूटने की कगार पे या किस तरीके से टूट चुका है इनका ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ऑन इन ऑफ सिचुएशन में ज़्यादा बनी रहती है ठीक है कभी आते हैं सडन आपसे बात करते और एकदम से चीज़ें खत्म हो जाती है एकदम से आप दोनों के बीच में ऐसा आपको भी महसूस होता होगा ठीक है समटाइम्स आपके पार्टनर आपको फ़ील करवाते हैं कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एकदम से ख़त्म होती है और एकदम से स्टार्ट हो जाती है ठीक है सो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन लग रही है यहाँ पे बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कोई भी कांटेक्ट नहीं करा अगर किसी तरीके से आप कांटेक्ट करने की आ, कोशिश करते हो सो आपके पार्टनर आपको एक ऐसी एनर्जी दे जाते हैं जहाँ पे आप खुद ही ज़्यादा अपने आप में रिग्रेट करने लगते हो कि क्यों मैंने इस पर्सन को कॉन्टेक्ट करा या क्यों मैंने इस पर्सन को अप्रोच करा इससे अच्छा था कि मैं अकेले रह लेता या अकेली रह लेती ठीक है आप इनको अप्रोच नहीं करते तो ही सही था बट बहुत ज़्यादा फॉस्टेट आप हो जाते हो किसी तरीके से आपके पार्टनर खुद की एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड अवेयर रहने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके का ना कोई लाइक प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते ठीक है इनको ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आ, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी तरीके से चीज़ें जो है ये एकदम से लटगो नहीं कर पा रहे हालांकि आपके पार्टनर कोशिश जरूर करते हैं कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं उसको सही तरीके से करने की कोशिश भी करते हैं बट इनके हाथ में इनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ बचा नहीं है ठीक है जो होगा अब वो ईश्वर जानते हैं या किसी तरीके से यूनिवर्स जानते हैं ठीक है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होना है बट अगले ही पल कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर वो एनर्जी आती है जहाँ पे ये आपको चेस करने की एनर्जी में भी आते हैं यह आपको लाइक एक स्टार की तरह मानने लगे ठीक है आपका आ, आपके अंदर जो चुप्पी आई है ना कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर को बहुत बॉडर करती है डेफिनेटली आपके अंदर जो एक साइलेंट एनर्जी है वो इनके लाइफ में ना इनको बॉर्डन सा महसूस कराती है ठीक है बॉर्डन सारे इनको ऐसा लगता है कि पूरे लाइक पूरी रिलेशनशिप की जो जिम्मेदारी है ना कहीं ना कहीं, ना, कहीं ना, उनके ही कंधों पर है ठीक है आप तो कुछ बॉर्डर ले नहीं रहे हो या किस तरीके से आप इनको मिस भी नहीं कर रहे हो हालांकि आप कर रहे हो बट आपके पार्टनर जो है ऐसा सोच रहे हैं ये मुझे इनकी आज की एनर्जी में ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो है काफी ज्यादा बॉर्डर ले रहे हैं ठीक है थीके? आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से ये चीजों को जो है बहुत इजीली जाने दे रहे थे बट कहीं ना कहीं आज ये बहुत ज्यादा बॉर्डर लेने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके किसी तरीके से ये पर्सन जो है सामाजिक कार्य में या खुद को बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ में बिजी करने की भी कोशिश कर रहे हैं बट इनसे ये चीज सारी चीज़ें हो नहीं पा रही है ठीक है ये किस तरीके से बहुत लाइक एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनके लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो जाए और ये अपनी लाइफ में खुश रहें ठीक है थीके? बट इनको ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ में ना खुश रह पा रहे हैं ना उस एनर्जी में आ पा रहे हैं जहाँ पे बहुत मस्ती करते थे इनका जो कहीं ना कहीं इनका जो बचपना था वो वापस से लौट जाए ठीक है भले ये कितने भी एज के क्यों ना हो बट अपने अंदर के जो है आ, इनर आ, जो चाइल्ड है वो कहीं ना कहीं आ, इनका मिसिंग है ठीक है डेफिनेटली ये अपनी इनर चाइल्ड को एक्टिव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं लाइफ में उन सारी चीज़ों के साथ आगे बढ़ूँ जो मुझे लाइफ में अचीव करनी है या आगे बढ़ना है बट आपके बिना किसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा मायूस रहती है आपके ना प्यार को एक्सेप्ट करने से लाइक निगलेक्ट करते ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं बट निग्लेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में जो इस लव में कहीं कही ना कहीं आपको एक बाधा सा दिखाई दे रहा है या फिर किस तरीके से आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो बट सिचुएशन जो भी हो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है इस लव रिलेशनशिप में जिसके कारण ना आप इस रिलेशनशिप में इक्वली आ पा रहे हो ना आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक कर पा रहे ठीक है किसी तरीके से आप दोनों ही इस इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में नहीं आ पा रहे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिक्स ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी को क्लरिफाई करें यूनिवर्स नंबर में आपको बता दूं नंबर फोर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ठीक so, है सो पॉसिबिलिटीज़ है कहीं ना कहीं चीज़ें सही हो जाए आपके पार्टनर माइंड से बहुत ज़्यादा चलते हैं जिसके कारण ना इनको चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट नहीं करते या कोई एक्शन आपके प्रति ले नहीं पाते बट ये माइंड से चीज़ों को सोच रहे हैं ठीक है हार्ट इनको कहता है लाइक like, इनका दिल कहता है कि आपसे मिले बात करे सारी चीज़ों को सही करे बट इनका जो माइंड है कही ना कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है ओके तो चलिए इनके मैसेजेस देख लेते हैं ये आप दोनों के रिलेशनशिप को ना पास से लाइक ऐसा देख रहे थे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जी है बट इस टाइम पे ये एक बॉर्डन वाली एनर्जी को फील कर कर पा रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इनके लाइफ में धीरे धीरे करके एक बॉर्डन सा इनको फील करवा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर हैवी सा इनको फील हो रही है या किसी तरीके से आप चेस नहीं कर रहे हो हालांकि आप प्यार बहुत करते हो बट आप हो सकता है आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद से आए सॉरी कहे किसी तरीके से इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसका गलती से उसके लिए आपसे माफ़ी मांगे ठीक है जो भी गलतियाँ इनसे रही है पास्ट में उसके लिए आपसे सॉरी कहे एंड अगेन सारी चीज़ों को ये सही कर दे जो भी इनके नेगेटिव थॉट्स या कोई नेगेटिव एक्टिविटीज़ थी उसको ये छोड़ के आपके पास आए बट ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पा रही है जिसके कारण आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा उलझने क्रिएट करती है किस तरीके से आप दोनों फर्स्ट्रेट सा फील करने लगते हो You believe or not, I love you more than you know. So, और या आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप माने ना माने आप भले ही इनको दस बार कह लो कि भाई मैं नहीं करता प्यार नहीं करती बट डेफिनेटली ये तो करते ही आपसे आई मेड मिस्टेक वैन आई चूज एल्स डेफिनेटली इन्होंने आपके आगे किसी और को चूज़ किया है जिसके कारण दी दैट की एनर्जी आई थी इनको ऐसा फील भी हो रहा है कि रिलेशनशिप अब कुछ ही दिनों में लाइक ख़त्म हो जाएगा या फिर आप इनको छोड़ के चले जाओगे ठीक है और ये रिग्रेट भी करते हैं कि इवन जो फ्रेंडशिप थी आप दोनों के बीच में वो भी अब नहीं रही ठीक है और ये बहुत जल्दी रिलेशनशिप जो है वो एक ऐसे मोड पे जा रहा है जहाँ पे चीज़ें जो है वो कहीं किसी तरीके से ख़त्म भी हो सकती है सो तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर भी है ठीक है इस बात को लेके आई वॉन्ट टू टच यू सो आपसे मिलना चाहते हैं टच तो करना चाहते हैं आपको दि डेविल की एनर्जी है सो तो फिज़िकल इंटीमेसी इनकी बढ़ रही है इन दिनों ठीक है आज आपको बहुत ज़्यादा ये फिजिकली आ, सोच रहे हैं ठीक है आ, बहुत लाइक फिज़िकली आपसे कुछ क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं एक इस तरीके से फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा ये मिस मिसिंग एनर्जी है डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी तो है आई हैव लॉस्ट ऑल होप सो so, कहीं ना कहीं इनकी जो सारी उम्मीदें हैं ना वो कहीं कही ना कहीं ये लॉस्ट कर पा रहे हैं ठीक है लॉस्ट जा रहा है इनका और ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप धीरे धीरे इनसे डेफिनेटली दूर हो रहे हो और आप अपने आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी में रह रहे हो अपने आप पर फोकस कर रहे हो अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो और आप भूल रहे हो कि इनके साथ जो आपका रिलेशन है वो बहुत ही डीप रिलेशन है इनके साथ बहुत ही डीप कनेक्शन रहा है आप दोनों का और आप दोनों एक दूसरे के साथ जो प्यार में थे कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पे रखते थे ठीक है कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ें भूल रहे हो जिसके कारण भी ये पर्सन जो है अपने होप्स खो रहे हैं और किस तरीके से लाइक आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो ठीक है हालांकि इनके बारे में सोचने की जगह या इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने की जगह आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो लेट्स फॉरगेट द पास्ट लेट बी फ्रेंड्स अगेन डेफिनेटली कुछ तो हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से ये परेशान ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं ये हो सकता है कि आपसे ये बात करें कम्युनिकेट करने की कोशिश करे और आपको कहें कि ये सारी चीज़ें जो हैं आप मान जाए किसी तरीके से या फिर जो सिचुएशन है उसमें आप एडजस्ट करने की कोशिश करें बट ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं ये आपको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं ठीक है थीके? इनके कंट्रोल जो है इनका हाथ में नहीं रहा आप किसी तरीके से ये अपने कंट्रोल भी खो रहे हैं सो चांसेस हैं कि आपसे कम्युनिकेट करें ओके okay. राशि की मैं बात करूँ तो एरीज लियो सैजिटेरियस वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन जेमिना लिब्रा जेमिनी लिब्रा इक्वेरियस हो सकती है आपके पर्सन की राशि ठीक है और रीडिंग ट्वेल्थ साइन की है अगर रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए ढेर सारा प्यार दीजिए डिवाइन को ओके पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है ओके सो आज के लिए बस इतना ही मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में बाई गाइस